तो दुनिया मेरी रुक जाती है। देखे मुझको पल भर जो तू सांस मेरी थम जाती है। तुम्हारी सौतेली पोती है या फिर सगी? हरकतें जो सारी तुम्हारी सौतेली हो जाती है, सौतेली ही समझ लो। फोन की प्यासी बनी घूम रही थी शप्पो, इतनी मुश्किलों से परी जान चुरा के भागी है। अभी जानती नहीं ना कि तुम्हारा ब्लड पीकर सारी जिंदगी के लिए मेंटल हो जाएगी। आज तो पहचान ही रही थी परी को, पता नहीं क्या हो गया था उसे। अरे रोके 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 पॉपकॉर्न वाला, रोक देना, यही रोक दे, यही रोक दो भाई, रोक दो। ऐसा ना हो मोशन में छलांग लगा दे, हड्डी पतली छोड़वा ले, पूरी गाड़ी कहाँ कहाँ लेके फिरेंगी लूड़ी जमी को। ओ 50 के नोट निकाले, पर्चे पे पर्चा दे रही हो सुबह से भूखी प्यासी। तारीख पे तारीख तो सुनो, ये पर्चे से पर्चा तो क्या थाने में होता है ना मंडू, जल्दी नहीं चला जाएगा। वेरी ग्रीडी गर्ल आई एम टेलिंग यू मंडू, वेरी ग्रीडी। आज चौधरियों के अखाड़े पे जो मुकाबला है, मुखालिफ टीम ने अपना पहलवान भेजा है जो अपने पैरों से मिट्टी का रौंद रहे हैं। पोला पहलवान और परी पैकर, क्या बात है। यो बॉयज और चौधरी दिलदार हुसैन ने जो अपना शहंशाह
मैदान में छोड़ा है, उसका नाम है अफजल अतरा। आज शुरू हो जाओ सजा दियो। अपना वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स पिकअप कर ले हैं। दादी क्या मुसीबत है? मुसीबत है? तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारी दादी अपनी ब्यूटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। दादी परी को भूख लग रही है। भूख लग रही है तो ये अपनी जारी उठारी रखो ना पॉपकॉर्न ईटिंग। हम भी अपनी चीजें ले लें। हाँ भाई आपका स्पेशल माल आ गया है। हाउ वेरी रूड ऑफ यू। स्पेशल माल तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे हम तुमसे कोई सफेद पाउडर की पूरी मंगवाते हैं। बदतमीज। भाई दादी का ना वो हेयर कलर निकाल दें। बी क्वाइट। सारे मोहल्ले को बताओ कि क्या बदतमीज। लिसन बरगंडी ना इस तरह हमें इस्तेमाल कर लेगा। दादी परी को नहीं पता, जो समझ में आए जो अच्छा लगे कर लो। अच्छा भाई वही कलर दे दो जो हम इस्तेमाल करते हैं, और कल ऐसा करना कि हमें इम्पोर्टेड कंडीशनर मंगवा देना, क्योंकि वो जो लास्ट टाइम तुमने दिया था वो तो लोकल निकला, बिल्कुल बेकार। खाला आपको ना वहम की बीमारी है। खाला? फिर खाला? है? कितनी दफा तुम्हें बताया है ये बैड मैनर्स में आता है। खाला 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 करते रहते हो तुम। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी जीने, रखो अपने पास, कहीं और से खरीद लेंगे हम। सारे का सारा बूट ऑफ करके रख दिया हमारा। चलो मूव ऑन। दादी दादी वो रिसाला तो ले ले अपना, वो तहसीन की कहानी की नई किस्त आ गई होगी ना। तुम अपनी इंटेलिजेंट दादी को इतना लाइटली मत लिया करो। वो तो हमने शब्बीर को कल 50 रुपए दे के पहले से मंगवा लिया। अरे वाह दादी, बुलेट ट्रेन से भी ना ज्यादा स्पीड है हमारी। कोर्स ऑफ कोर्स। ये अगली बकरे सारा दिन गली के कॉर्नर पर खड़े होकर जुगाली करते रहते हैं। शहर को दिल करता है मुंह नोच लूं मैं। उसका तो सिवाय बटीसी निकालने के कोई काम ही नहीं, इग्नोर है। इतना मासूम शक्ल से दिखता है ना, उतना है नहीं, बहुत नीचता है। उसकी मम्मा बताई थी कि मम्मा क्या कम घूम। चंदा तारा परी आ गई। छोटे सिक्के हैं? फिर करा लिया 500 का फाइन तूने? हाँ तो क्यों डाला मुझे अंग्रेजी वाले स्कूल में? ताकि तुझे थोड़ी अकल आए, थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ना सीख ले तू। हाँ तो इसी अंग्रेजी की वजह से मेरा हाथ भी टूटा है। तो किसने कहा था, किसने कहा था जाके जवाद के साथ ही सींग लड़ा? हाँ तो मुझे अंग्रेजी नहीं सिखा रहा था लोटे की, मैंने पेट पे कुसा मारा उसके, लात मार के गिरा दिया उसने। हाँ तो इसी वजह से तो कहती हूँ ना हाथ चला किया मत किया कर। अम्मी दिस इज नॉट फेयर। मम्मी बोल, मम्मी बोल, बोल मम्मी। ओए फिरौन की मम्मी, क्या हो गया? 14 ग्रेड की नॉन गजेटेड टीचर क्यों मुंडे के पीछे पड़ी? हेल्पुई ताई अम्मी। मो शुक्री। नमो पापी, आज आपने ना बीच में नहीं बोलना प्लीज। हाँ हाँ है, क्यों नहीं बोलना? हुआ क्या है? क्यों अंग्रेजी के पीछे शिदाई किया वह लड़का? तो क्यों ना करूं? बाप इसका वेटनरी डॉक्टर, माँ इसकी सरकारी स्कूल की 14 ग्रेड की टीचर थी, और ये जाहिल, और बाकी सारे खानदान के लड़कों की तरह जाहिल ही बनेगा। ए, क्या मतलब है तेरा? है मेरा बिल्लू जाहिल है? नहीं पापी बुरा नहीं मनाना है, लेकिन हरकतें सारी जाहिलों वाली ही कर रहा है वो। आपको पता है अभी भी यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेके मामा जी के साथ कुश्ती देखने गया हुआ है। तो फिर क्या हुआ? खैर BBA कर रहा है वो माशाल्लाह से। हाँ वो तो कितने सालों से किए चले जा रहे। उसके साथ के लड़के देखे ना कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। तो तेरा मतलब क्या इस बात का? आ गया मेरा शहजादा अपने दादे के साथ होके। तू चल जरा मैं तुझे बताती हूँ, तेरे बाप को फोन करके बताती हूँ, तू आ जरा। बाप बड़ा बैठा होगा कट्टा खोल के क्लिनिक में। पागल जी इसका एक सीन गुलाटी मार के टेढ़ा हो रहा है। विटामिन डी 3 टाइम,
ठीक है सर, छींके भी आ रही हैं, हैं? सर जी घर से फोन आया है। हाँ शिबा क्या हुआ, पता है ना आज विजिट पे हूँ, बोलो क्या हुआ। आपका चहेता बंटी चौधरी आज फिर स्कूल से फाइन करा के आ गया, वो भी गलत अंग्रेजी बोलने पर। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उसको घर आके देखता हूँ, अभी 6 बकरियां उनके अल्ट्रासाउंड करने और कट्टा भी खुला हुआ है मेरा। बस सारी जिंदगी ना दूसरों के टंगरों का ख्याल करना, अपने इस खच्चर पे कभी ध्यान ना किया आपने। हाँ अब आए ना, साइलेंट पे कर दें। ठीक मम्मी, आई एम फीलिंग हंग्री। मैंने तेरे मुंह से चपेड़ मारनी है। फीलिंग हंग्री, 500 रुपए का फाइन करा के अब चढ़ा है तुझे अंग्रेजी बोलने का बुखार। सुन समझ के तेरी ना हंगर स्ट्राइक है। हाँ भूख लग रही, कुछ नहीं मिलेगा खाने को। दुकानों का किराया आ गया, पर ये कमाल उद्दीन, जब तक इसके साथ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज ना करो ये किराया नहीं भेजता। काश मेरी तेरे पर होते तो फिर से उड़ जाती। दादी दादी देखे मुझे मम्मा का गरारा ना पूरा आ गया, अपना पाँव में भी नहीं अड़ा, मैं आराम से चल सकती हूँ। दादी ओहो, सारा हिसाब किताब उलट पुलट करवा दिया। दादी देखो ना पर ये कितनी प्यारी लग रही है। बचपन से देख रहे हैं तुम्हारे ये फैशन शो, अच्छी परी जाओ जाके पढ़ लो कुछ है, तुम्हारा आखिरी पत्र बस कर लो। परी की ना पूरी तैयारी है, परी को नलायक मत समझे। अभी ना मम्मा का लाल वाला लहंगा पहन के देखूंगी, पूरा आ गया होगा वो वाला भी। बात सुनो, पुराने कपड़े पहन के बिल्ली वाली वॉकिंग करती रहती है और अपनी छोटी सी दादी की ब्यूटी का कोई ख्याल नहीं। 100 दफा कह चुके हैं हमारे बाल डाई कर दो पर नहीं। चलो कमालुद्दीन का फोन आ गया, इस तरह हमने बदले। हाँ फिर कमालुद्दीन किराया भिजवा रहे हो या फिर? ब्रो मेरे दादा मुझे कहते हैं जिंदगी में एंट्री जैसी भी हो एग्जिट लश फश किस्म का होना चाहिए। इस डायलॉग के असल राइटर को पता चल गया ना, फ्रॉड का केस कर देगा तेरे दादे पर। यो बिल्लू शेर, दादा बब्बर शेर, दोनों नकिया जंगल आधा आधा, ये कल में दवाते नहीं थी मुरादे, हमें तो चाहिए जेल की सलाह के। यो बिल्लू ऑन द माइक, दादा ऑन द फ्लोर। ओ हीरो, तुझे जीरो कर दिया प्रोफेसर बक ने। जालिम समाज ने फिर उड़ा दिया। उड़ाया नहीं, तेरा सारा जीपीए गिरा दिया है। इस प्रोफेसर बक का तो कुछ करना होगा। छोड़े ताऊ जी, आप क्यों तलमला रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी? आप ऐसा करें कि हलवा खाएं आप, मैंने आपके लिए और बिल्लू के लिए स्पेशल देसी घी का हलवा बनवाया है। ले भाई, ले गई तेरा क्रेडिट हमेशा की तरह। पता नहीं कहां रह गया ये डंगर डॉक्टर, अभी तक नहीं पहुंचा। बाजी डंगर डॉक्टर नहीं कहते जी, वेटनरी डॉक्टर है वो, सरकारी अस्पताल में नौकरी करता है, अपने टाइम से आएगा। आपको तो फखर होना चाहिए आपका एक बेटा डॉक्टर है। डंगर डॉक्टर, पियो से जोर होके की थी उसने ये डॉक्टरी, भला क्या जरूरत थी? मामा जी नहीं बना था ना उनका MBBS का मेरिट। एक तो ये फौरन सेंटी हो जाती है शोहर के लिए, और पोती के बड़ी खतरनाक डॉक्टरी है, हमें किसी दिन किसी मरीज से दुलती खा बैठेगा। फजूल, करोड़ों रुपया का अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, क्या जरूरत है हमें ये खोते कोड़ों का इलाज करने की? खोते से याद आया, वो बिल्लू नहीं आया भी अभी तक। आ गया जी मेरा शहजादा। हाँ ये भी ताऊजी पे जान देता है मेरी तरह। आया मेरा शहजादा। हाँ बब्बर शेर, स्पीड जिसकी जवानी और नखरा जिसकी ब्रेक। दादाजान आप ही तो कहते हैं
सवारी लब्बे ना लब्बे स्पीड 190 ओके चके रख ब्रेक लाओ 190 दादा जान आप बताएं ब्रेक लगानी है कि नहीं क्योंकि बिल्लू चौधरी की ब्रेकें हैं तो दादा के पैरों में है हमारा रिमोट तो आपके पास है जनाब किसी वक्त तो तू मोहब्बत से दादे को मनारे पाकिस्तान पे चढ़ा देता है जी सरकार मोहब्बत का जादू है बिल्लू चौधरी तो आपके कदमों में है ना मेरा पुत्र है चल मुझे जरा जीप निकाल और नईम जट के पोते की मेहंदी पे छोड़ के आ चलो वो चाचा तेरा मेरी गड्डी लेके अस्पताल चला गया हुआ है हॉस्पिटल हॉस्पिटल से याद आया दादा सलमा हेल्थ क्लिनिक लगे हाथ वापसी पे आपकी मंथली डोज ना लेते हुए आए डोज की जरूरत तो है पर वीकेंड पे चलेंगे दोनों बड्डी यार मैं बेस्ट फ्रेंड चलो पेपर हो गए भी पेपर इतनी जल्दी थोड़ी ना होते हैं पेपर दो चार पेपर रहते हैं अभी इस बार रिजल्ट जो है ना वो कदरे मुख्तलिफ होना चाहिए नहीं तो कत्ती तई पे ना बिल्लू तैयारा लखवा दिया मैंने तू ही संभालेगा उसे दादा जान मुझे लगता है स्पीड 190 से जरा ऊपर हो रही है देखें जरा ओ पुत्र तू चल के जीप की स्पीड पकड़ आवाम की बातों को इग्नोर मार इग्नोर्ड जेड़ा बंदा अपने वाल डाई नहीं करा सकता उन्हें साडा की करना तू क्या की कर रही है चल जाके रात के खाने की तैयारी कर बना वो पालक पनीर बहुत पसंद है ताऊजी को बंद करिए खुशामद की कुक बुक पालक पनीर बना ले मेहंदी से रोटी खा के आएंगे वो वैसे पहला शोहर देखा है मैंने जो बहू और ससुर के अंडरस्टैंडिंग से जेलस हो मुझे ये बताइए आपको पेरे पे किस चीज का गुस्सा चढ़ा रहता है हर बिल वट्टे सट्टे का गुस्सा है जी जिसमें वट्टे भी मुझे पड़े और सट भी मुझे ही लगी है हाय तो उसमें मेरा क्या कसूर है आपकी बहन मुकरी थी बचपन में मुझे तो जैसे बड़ों ने कहा मैंने सर तस्लीम खाम कर लिया आइए आइए आराम से पैर रखिए आजी आजी ताशफीन और ताशी मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ पाकिस्तान है जी आपकी बहन खड़ी है हलवे की प्लेट लेके सर आप खाए आपका घर है हम तो हैं इधर उधर फिर रहे हैं तशरीफ लाए आजी आजी इनका दर्जा हरारत क्यों बढ़ जाता है मेरी शक्ल देखकर अपनी बहन की दगाबाजी याद आ जाती है उस पे तो चले ना बस तेरे पीछे पड़े रहते हैं हर वेले तू इधर मुंह कर चल दिखा देसी घी का स्पेशल हलवा बाजारों में बैठा के तांगे की सवारी समझते हैं मुझे आहा बैठे ये म्यूजिक का पर्चा कब हो रहा है आपका बेट साहब नहीं वो पर्चा तो कंप्यूटर साइंस का है लेकिन म्यूजिक लगाओ ना तो बहुत अच्छा याद होता है और बहुत जल्दी याद होता है अच्छा परी साहबा आपकी उम्र की सब लड़कियां जो है ना उन्होंने एमए पास कर लिया क्या ख्याल है आपका इसके बारे में बहुत ही गलत किया है उन्होंने पता है जितनी जल्दी वो एमए पास करेंगे उतनी जल्दी लोगों ने पक्की उम्र का समझने लगेंगे तो फिर तुम्हारी ये बाली उम्र यहाँ कब तक चलेगी जब तक परी का एफए चलेगा लोग तो यही कहेंगे ना परी परी तो कल की बच्ची है और जब तक आपका एफए होगा तब तक तो हमारा प्लाट जन्नत में बुक हो चुका होगा है ना बट फिर हमने ये सोचा है कि वो जो है ना आपकी आंटी खान उनको बुला रहे हैं हम ताकि आपके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे परी ने नहीं करनी कोई शादी वादी परी तो मास्टर्स करेगी मास्टर्स वो भी फाइन आर्ट्स में हाँ तो मास्टर ही ढूंढेंगे ना मास्टर से शादी होगी पढ़ाई भी उनकी रहेगी और मास्टर दादी कयामत वाले दिन ना तुमसे अलग से हिसाब होगा एक मस्कीन और यतीम परी को तंग करने का हाँ हाँ और अपनी छोटी सी दादी की जिंदगी जहन्नुम बनाने पर तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा हमारी परी को ये खुद लगाए मुझे गप्पों में और जब मैं फेल हो जाती हूँ ना तो कहती है परी आपका ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई में ठीक है ना लगाओ गप्पे हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं ये देखते हैं इस टेस्टिंग के साथ क्या होता है इसको झूठे लगेंगे तो हमें मजा आएगा तुम फिर बंदरों की तरह यहाँ पे लटके हुए हो किसी दिन इसी दीवार से गिर के मरोगे तुम नहीं समझ आ रही बात अभी बताती हूँ ऐसा कीजिए ये भी घुमा के मारिए हमारे काम का तो रहा नहीं उसकी अम्मा जॉगिंग कर लेंगी दादी इस घोचू के लिए ना हमारे घर के सारे जूते और चप्पलें भी ना कम है
देखे फिर आगे। नहीं नहीं नहीं, रुक के दादी, जाके शिकायत करें इसकी जुलेखा खाना से। हजारों दफा तो शिकायत लगाई है इस मेंटल बकरे की, बात ही नहीं आता। बदतमीज, जाकर हमारा दूसरा जागर लेकर आओ। चलो। खुद लेकर आए जाकर? इतनी प्यारी सी परी को दूसरों के घर से जूता चुनने के लिए इस्तेमाल कर रही है। चलो, खुद ही ड्रॉप कर दिया उन्होंने। थैंक यू जुलेखा, वेरी काइंड ऑफ यू, बेस्ट रिगार्ड्स। चुक ले बिल्लू, क्या बन गई है इस मुंडे नु? अब्बा जी, आप सुबह सुबह इधर खैर है? आप क्यों सुबह सुबह उठ गए हैं बुजुर्गो, सोया करें इस उम्र में। अब्बा जी, मुंशी का फोन आया है, वो मुगलपुरे वाले प्लांट पे कब्जा हो गया जी। ओए प्लांट के कब्जे को गोली मार, ओ शाके पोत, वो इस कम वक्त कब्ज से मेरी जान छुड़ाए। उठा बिल्लू को। तो बिल्लू कौन से डॉक्टर है जी? तो और क्या, इस घर के ढंगर डॉक्टर से इलाज करा लू। अब्बा जी, आप वो नईम कम्बो चाचा के पोते की मेहंदी पे गए थे ना, खा लिया होगा गाजर का हलवा। और जी, इस उम्र में नहीं हजम होता, पता है आपको? तेरे सज के जावा है, इस उम्र में खुद तुम सफेद जुल्फों के साथ प्लेटे भर भर के खाओ और हम जेट ब्लैक के साथ आधा पाव हलवा भी नहीं खा सकते। हाय बिल्लू को उठाए। रहने दे जी, उसे अल्लाह के फजल से एक घंटा लगाएगा वो तैयार होने में, मैं बस 5 मिनट में तैयार होता। आप गाड़ी में बैठे, मैं आ जाता हूं। नहीं नहीं, मैं नहीं तेरे नाल जाना। क्यों जी? पुत, जब तुम इस हेयर स्टाइल के साथ डॉक्टर को कहते हो ना, ये मेरे वालिद साहब है, हाय मैं था मर जानी। कबल की वैसे ना गैस चल रही है, आपको बहुत बस चलते हैं, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। इन्हें बाबे ने नहीं बाज आना, चल चौधरी अपनी पग ते फड़ ले। आए बड़ा मक्कार है ये टेस्टिंग। दादी, गुड मॉर्निंग कोहिकाप की मलिका। आप अपने होने का एहसास दादी को भरपूर तरीके से जाती हैं हर रोज। दादी छिपकली। दादी छिपकली, ये कैसा बेहूदा निकनेम रखा आपने दादी का। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रही, यहाँ छत पे बैठी है। आपको क्या कह रही है, आप अपने घर पे है, रहने दे उसे। चलिए उठिए उठिए, मिल्कमैन आ गया, मिल्क लीजिए। कैसे निकलूं, यहाँ छत पे इतनी मोटी ताजी हट्टी खट्टी छिपकली बैठी है। आ, तो तुम्हें क्या कह रही है भाई, अपने घर पे अपनी छत पे है, हैं? तुम उठो, जाओ जाके मिल्क लो, वरना मिल्कमैन हमारी घंटी जला देगा। और ये जो मेरा दिल जल रहा है छिपकली की वजह से, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी हम बहुत बिजी हैं, हमारा टेस्टीन मरने जा रहा, उसका मर्डर हो रहा। काश भाई तेरे पर होते, तू उड़ के चली जाती। के बच्चे फिर डाल गया सुबह सुबह कार्रवाई। तुझे छोड़ूंगा नहीं, और प्रोफेसर बख्त, छोड़ूंगा तो तुझे भी नहीं आज।
Hey. Good morning, Emma darling. I wish. कहीं तुम कास्ट की चौधरी होती ना. मैंने एक सेकंड नहीं लगाना था. पहले दादाजी को मनाना था, फिर पहली फ्लाइट में टिकटें बुक करा के बारात लेके यूके यूनाइटेड किंगडम. कसम से, अरे डफर, तुझे इल्हाम हो जाता है कि मैं एमा डार्लिंग से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा हूँ. ओ भाई, कब से खड़े तेरे घर के बाहर, इंतजार कर करके सूख गए हैं तेरे घर की तारों पर लटके सूखे कपड़ों की तरह. हाँ हाँ, टिकर चल रहा है टीवी पर कि तीन कव्वे तार पे लटके हुए. अस्तगफुल्ला, तेरे अब्बा की सारी सवारी गुजरी है. मुंह छुपा. अब्बू ने देख लिया ना तो बिल्लू गैंग को दुनिया से गुजार देंगे. अल्हम्दुलिल्लाह, गुजर गए. कौन, मेरे अब्बू? रोड से गुजर गए, दुनिया से नहीं. और अब तू जल्दी आ वरना हम तुझे छोड़कर जा रहे हैं मिशन पर. ये ले जा. लव यू. दूध का बिल. चाचा, ये हिसाब किताब का खाता ना दादी के पास है और वो इस वक्त बहुत मसरूफ है. पता है उनके जासूसी डाइजेस्ट में ना तहसीन का कत्ल होने वाला है. बिटिया, पिछले महीने के भी 500 रुपए रहे हैं. हाँ तो हमको इलाका छोड़ के भागे थोड़ी जा रहे. परी और उसकी दादी हमेशा यही रहेंगे. प्यारी परी, मैं 500 दे दूं? दे 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 500 झूठी खानी दे दे. उस्तारी जी, दूध का बिल बहुत बढ़ता जा रहा है. अच्छा, दुकानों के किराए भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं. तो अपने भांजे को जरा बता देना जो हमारी मेन रोड की दुकान पर कोबरा नाग बन के बैठा है. और ये दूध ना पूरा दिया करो. मिस दिलशाद कहती हैं कि नाक तोल में कमी पर पकड़ होगी और अल्लाह ताला ना जहन्नुम में डाल देंगे. जहन्नुम से नजरें हटा के जरा दाएं बाएं भी रखें ध्यान. गली में गुलाबी खुशबू फैले चली जा रही. ऐसा ना हो कि तेरे इर्द गिर्द से कपूर की खुशबुएं उठने लगे हैं. अपने कान से काम रखा कर. अब्बा जी, ये सलमा हेल्थ सेंटर में कोई खास बात है क्या? तुम क्यों पूछ रहे हो इन न्योले की तरह मुंह निकाल के? पूछना तो बनता है. इतने बड़े बड़े अस्पतालों को छोड़ के आखिर आप वहां जाते हैं? खास बात तो है. हर बात वो मुझे लो पोटेंसी की दवाई देती है. अब इस उम्र में मुझे हाई पोटेंसी बर्दाश्त नहीं होती. मैंने तो सुना है जी कि शायद क्लास फेलो थी आपकी एफएससी में. अस्तग़फिरुल्लाह बेटा, एक मेरी नसीहत याद रखना जी. कभी भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते. और वैसे अंदर की बात ये है कि क्लास फेलो होने की वजह से वो मुझे खासी रियायत कर देती है, अपनी फीस में भी और टेस्टों के बिल में भी. चले आज मैं भी देखूं डॉक्टर सलमा की मसीहाई. अपना शाके, गड्डी टोए में बजी है ना तो मेरी तबीयत ठीक हो गई है. मोड़ ले पुत्र, कार चलते हैं. नहीं अब्बा जी, डॉक्टर पे आए तो दिखा. हराम के पैसे आए हुए. जब तबीयत ही ठीक हो गई है तो फिर क्या जरूरत है हमें पैसे भी जाया करने की और दवाइयों के फंके मारने की. मोड़ो गड्डी. देख लें बुजुर्गो, चलो कार चलो. तुम्हारे साथ क्लिनिक जाते हुए भी ऐसे महसूस होता है जैसे पेरेंट्स डे पे वालिद साहब के साथ स्कूल जा रहा हूं.
आएगा। थोड़ी देर पहले मुझे कितना जोर जोर से डांट रही थी, अब खुद देखो। हाँ तो वो अगली बकरा शाहरुख कैसे घूरे चले जा रहा था तुम्हें? तुम्हें तो चाहिए था कि तुम उसके डीजे निकाल कर लाती और दादी के पैरों में रख देती। किसी दिन ना सच मुझे घोंचू की आंखें निकाल दूंगी मैं। सच मुझे घोंचू की आंखें निकाल दू? तुम अगर इस कदर ब्रेव होती तो और हमें चाहिए क्या था? हमें तो बस यही फिक्र खा रही कि अगर हम मर गए तो तुम्हें तो ये दुनिया बेच खाएगी। हाय दादी, अगर तुम मर गई तो परी के खाने का क्या होगा? बात सुनो, ये तुम्हारी ज़बान हमारे सामने क्यों कैंची की तरह चलती है, है? सोचना किसी दिन। दादी अम्मा, अगर आप इसी तरह बोलती रही ना तो मेरा पर्चा निकल जाएगा। फोन लगाए चचा को और बोले वो लेकर आए अपनी बेचारों को। ये अम्मा होगी तुम्हारी मम्मा। तुम्हारा हौसला कैसे होता है कि इतनी छोटी दादी को तुम अम्मा अम्मा कहती रहती हो? उससे बड़ी हुई हो, हमारा तो सुकून ही बर्बाद हो गया। मिस दिलशाद कहती हैं कि जवान बेटियों की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती है, उन्हें बंद करके ताला लगा देना चाहिए। आपके मम्मा पप्पा का एहसान है, खुद तो चले गए और ये नौलक्का हाथ दादी के गले में डाल गए हिफाजत के लिए। लगाओ लगाओ ताले, लगाओ हर तरफ लगाओ बेटा लगाओ। परेशानियां अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है दादी अम्मा। और हमारी आजमाइश तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन तुम्हारे मम्मा पप्पा का निकाह हुआ था। चलो बस बातें बंद करो और दादी के लिए एक पराठा डालो। जी नहीं, ये पराठा चंदा और तारा का है, भूखे रह गए ना बद्दुआ दे देंगे दोनों मुझे, फेल हो जाऊंगी पेपर में। चल टेस्टिंग, तुझे तो पता लगेगा। मेरे एक फॉलोवर फिर कैसे कम हो गया? ओए बात सुन मेरी खोटे सिक्के, अगर आज तूने किसी को कुछ कहा ना तेरा जो दूसरा बाजू है मैंने खुद तोड़ देना। अम्मी मम्मी, चौधरी हशियारपुरी का ग्रैंड सन हूँ मैं, ही सेड कोई भी होशियारी करे फड़का देना उसको। मामा जी ने तो पंजाबी फिल्मों की बड़ा की समझ लिया जिंदगी को। और हाँ, तुझे दूसरे बच्चों को ना फड़काने नहीं, स्कूल पढ़ने भेजा है, ये समझ बात को। हाय ना, हो गया नाश्ता रेडी? सच्ची मुझे तो भूख इतनी लगी हुई है। ओए तूने फिर मचमच करनी शुरू कर दी है। ताई अम्मी आप खुद बताए, ये पापे साइलेंट तरीके से कौन खा सकता है? क्या हो गया, हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है तू मशरूम के। मैं पीछे पड़ी रहती हूँ? और ये जो सारे जान के बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है, कभी किसी का सर फोड़ता है, कभी किसी की हड्डियां तोड़ देता है ये। दादा ना ही हाथ धो गई। यो ब्रो, दिस इज नॉट इनफ लो ब्रो। और तूने मेरा इंपोर्टेड परफ्यूम अब्बू जी का 150 रुपए का बॉडी स्प्रे समझ के पूरे जिस्म पर छिड़क लिया है। देख बंटी चौधरी मेरी बात याद रखी, अगर मैंने अपने परफ्यूम की खुशबू तेरे नाक से ना निकाली ना तो मेरा नाम भी बिल्लू चौधरी नहीं। अरे ये बच्चा है, क्यों हो गया? एक परफ्यूम बच्चा बच्चे की जान? वो बच्चा, और तू एक मक्कार बच्चा है जो यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया को बेच देना तो डकार भी ना ले। अम्मी जी क्या कर रहा है? मैंने आपके सामने उस दिन से कहा था ना कि मेरे मुंह पे टकार ना मारा करे, तेरा ये जो इतना बड़ा टेटवा है ना बंटी चौधरी, मैंने दबा देना। तू छोड़ इसे, बैठ जा नाश्ता करके जाई। तेरी चाची ने इतने मजेदार परौंठे बनाए हैं देसी घी के, वलो वाले, मैंने सिखाए थे इसे। तू ब्लांडा खा, ये भी तेरी ताई ने सिखाया था उबालना मुझे। अम्मी मैं जा रहा हूँ, आज ना यूनिवर्सिटी में एक बड़ा स्पेशल किस्म का नाश्ता है, दुआ चाहिए आपकी। मेरी बात सुन, टाइम से आ जाइए, पता है ना ताशी के रिश्ते के लिए जाना है हमने। Nothing new. सुबह सुबह कहाँ से आ रही है फौजें? और तुम हमारी फौजों को छोड़ो पुत्र, अपना लश्कर तैयार करो, मुगलपुरे जाना है। दादा जाना, मुगलपुरा में क्या इमरजेंसी आ गई है? और प्लाट का कब्जा छुड़वाने जाना है। दादा जान मेरा तो बड़ा जरूरी पर्चा है आज, मैं तो नहीं जा सकता। और पुत्र चौधरियों पे थाने कचहरियों के पर्चे ही सजते हैं, कहा यूनिवर्सिटी में अपनी जवानी रोल रहा है। अब्बा जी थाने में रोलने से तो बेहतर है ना जी। हाय काश तू होशियारपुर पैदा हुआ होता, देखता वहां पे चौधरियों की टौर, जाके गरम हमाम की कुर्सी पे बैठते थे, नाई कहे बगैर ही डाई लगा देता था। खुदा के लिए अब ये होशियारपुर को निकाल दे जी, दिमाग से बस कर दे, कमाल ही है। दिमाग से तो निकाल दूंगा, दिल से कैसे निकालूंगा? दादा जान बिस्मिल्लाह। ओके गुड लक बटवाए। आपका हरीफ और बदकिस्मती से मेरा प्रोफेसर
बख्त, आज उसके दिमाग की चूल्हे हिलाने जा रहा हूँ। दरूद सारा का सारा बैग में पैक है। तो मुझे साथ लेके चल, बड़ी देर हो गई है हल्ला बुल्ला किए। You wanna join? Yes. You are my best friend, my buddy. Good. Let's go, जिगर। गाल सुन। हाँ जी। ज्यादा खुशबू लगाने से चुड़ैलें चबड़ जाती हैं। लो, किसमें इतनी हिम्मत है कि बिल्लू चो लो चबड़ने लगी है। ना है, मेरी लाड डरा रही है। बाप जबरदस्ती का चौधरी, सस्ती का पिए दादा जान। पुत्र मिशन की तरफ दे आऊंगे। कौन सा मिशन, कौन सा मिशन? मिशन बताए ना दादा जान, अब मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको जवाब दूं। बताएं। वो स्पेशल नाश्ता करवाने जा रहे हैं किसी को। यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुमने? तुम्हारे तो आज प्रेजेंटेशन है ना, जो तुम गोल ना कर दो, इसलिए मैं आई थी यहाँ पे। सोचा कि तुम्हें खुद पकड़ के ले जाऊं। खुद ही पकड़ के ले जाऊं? आई बड़ी एसपी स्पेशल ब्रांच है। अच्छा, तो फिर मुझे भी साथ ले चलो ना यूनिवर्सिटी। जगह नहीं है, ना मेरी जीप में ना कहीं और। अब... रोक तो सही, मेरे जिगरी यार की नवासी है यार। ये जिगर कलेजी गुर्दे का हिसाब बाद में कर लीजिएगा दादा जान। We are on mission, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है जी। दादा जी आइए, दादा इसको छोड़ना नहीं है, मैं इसके ऐसे की तैसे करता। जगह तो मैं बना लूं, कार में भी और बिल्लू, इस वक्त तो टाइटैनिक के हीरो वाली फीलिंग्स आ रही हैं। अंकल फील कम ले और शुरू करें मिशन। वो तो शेरों शुरू हो जाओ, हला दो इस बैड वक्त के घर की बुनियादें। ओ दादा, ऐसा यादगार मोमेंट है, बरसों पुरानी दुश्मनी के बदले उतर रहे हैं, इस पे सेल्फी तो बनती है ना एक यादगार। यो यो। ओ भाई टाइम ना वेस्ट कर, जल्दी कर। और चल निकल निकल ते। ले जाओ सारे बम्ब, बालो कुड़ियो बंडी जे बम्ब ले जाओ। ओ मेरी अशेरा, आ जाओ पपर शेरो, आ जाओ आ जाओ। चलो निकल चलो, इस फरंगी ने कुत्ता भी रखे हैं। कुत्ता? हाँ भाई, सॉरी कह दिया प्रोफेसर। सॉरी? तुझे पता है सॉरी लफ्ज ही नहीं है बिल्लू चौधरी की डिक्शनरी में, जानता है ना तू? किसी ने सुनकर पहुंचा दी ना हमारी बात, तो इस असाइनमेंट में से भी प्रोफेसर बल नंबर काट देंगे। ब्रो मेरे टोटल नंबर आते हैं कितने, उसमें से कितने भी कट जाएंगे काट ले। इससे तुझे जरूरत क्या थी, पहले दिन अपने दादा जान चौधरी दिलदार होशियारपुरी का नाम लेकर तारुफ करवाने। मैंने तो कैजुअली बताया था, जैसे बचपन से लेकर आज तक बताता हूँ। मुझे क्या पता था मेरे दादा जान ने वो कॉलेज के जमाने में कोई लेक्चर आया था और उस बुक्स को आज तक अपने दिल में रख के बच्चे की तरह पाल रहे हैं। याद है क्या, पढ़े लिखे आदमी, बंदा पढ़ा लिखा हो तो प्रोफेसर लगता है ना, ये जेब देता है। जेब तो तेरे दादा जान को भी नहीं देता था, यूँ अपने हरीफ के घर जाकर बच्चों की तरह पटाखे फोड़ना। यो
मेरे दादा जान के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना तो दायां हाथ काट के बाएं हाथ में रख दूंगा। तुझे पता है मेरी जान है वो। जान नहीं महबूब है तेरी, अच्छी तरह जानता। 1,2,3,000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 
जिंदा अजीज कोई भी नहीं है। जस्ट माय गॉड। बिल्लू चौधरी, तुझे प्रोफेसर बग बुला रहे हैं। चलो जाओ। तुझे भी। मुझे भी। ऐसे क्या कूद रही हैं? बिल्कुल इसी तरह घूर के देखना चाहिए तुझे उस अगली बकरी शाहरुख को, ताकि जहाँ से गुजरे वो अपना रास्ता बदल ले। एक काम करें, मेरा नाम परीसा के बजाय ना काली बिल्ली रख दे, हर कोई खुद ही रास्ता बदल लेगा। तुम ऐसा करो कि कभी कभी अपनी जबान को जरा आराम दिलवाया करो, कैसा रहेगा? आराम की जरूरत मेरी जबान को नहीं बल्कि आपको है। अच्छा, हमारी? चलो जरा हमारे साथ दौड़ लगा के देखो कौन जीतता। अच्छा, जल्दी कर लो, आखिरी पर्चा है तुम्हारा। आखिरी पर्चा है? कोई आखिरी सांस थोड़ी है। आखिरी सांस तो जब हम लेंगे, लखपते जाएंगे। दादी, ऐसी डराने वाली बातें मत क्या करो। ओ, अब नहीं कर। तो पहचान ली अपनी अपनी शक्लें इसमें? रियली सॉरी टू से सर, लेकिन पिक्चर क्वालिटी काफी लो है कैमराज की। नहीं, पिक्चर क्वालिटी जितनी मर्जी लो हो, तुम्हारी और तुम्हारे दादे की परफॉर्मेंस से ज्यादा लो नहीं है। एमबीपी सर। व्हाट डू यू मीन बाय एमबीपी? आई मीन माइट बी पॉसिबल सर। तुम जानते हो इस हरकत का अंजाम क्या होगा? मैं जानता हूं तुम चौधरी दिलदार के पोते हो, चौधराहट का खून जो है ना वो तुम्हें आराम से बैठने नहीं दे रहा। यो सर, सर खून तक ना जाए, ये ना हो कि बात बिगड़ जाए। सर बात तो बिगड़ चुकी है, डोंट यू नो? वीसी ने तुम्हारी एंट्री बैन कर दी है 10 दिन के लिए यूनिवर्सिटी में।